सब्सक्राइब करें चिली फ्लेवर चैनल को और बराबर में घंटी का आइकन है उसे दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चिली फ्लेवर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए करेले की एक ऐसी भरमार रेसिपी लेकर आई हूँ जिससे कि आपको करेले खाने में बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आप करेले बनाते हैं तो आपके करेलों में बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं आएगी और आपके करेले 15 से 20 मिनट के अंदर बनकर तैयार भी हो जाएंगे और आपको इन्हें ओवरनाइट नहीं रखना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 1 किलो करेले। आप अगर छोटे साइज़ के करेले लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है और उनके अंदर स्टफिंग भी काफ़ी अच्छी आती है और साथ ही ये ज़्यादा पौष्टिक भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो छिलके हैं करेले के ऊपर, इन्हें हमें निकाल देना है। आप चाहें तो नॉर्मल चाकू से निकाल सकते हैं ये करेले के छिलके, या फिर आप एक पीलर भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर पीलर का इस्तेमाल कर रही हूँ लेकिन इससे छिलके थोड़े से मोटे निकलते हैं। बस यही फ़र्क होता है कि अगर आप चाकू से निकालेंगे तो आप छिलका पतला निकाल सकते हैं। ये जो बाहर के छिलके होते हैं इनकी वजह से करेले में और भी ज़्यादा कड़वाहट आ जाती है, तो इसीलिए हम छिलकों को निकाल कर अलग कर देते हैं और उसके बाद ये रेसिपी बनाने स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैंने ये जो करेला है इसके ऊपर और नीचे का पार्ट निकाल दिया है। आप चाहें तो इसे रख भी सकते हैं बट मैं यहाँ पर निकाल कर इन्हें फेंक दूंगी और उसके बाद रेसिपी बनाना स्टार्ट करेंगे इसकी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी करेले में हम एक कट लगाएंगे। करेला हमेशा जहाँ से झुका हुआ हो उसी की तरफ कट लगाएंगे तो जो भी आपकी स्टफिंग है वो निकलेगी नहीं करेले के अंदर से। उल्टी साइड लगाएंगे तो करेले के अंदर से स्टफिंग जल्दी निकल जाती है। आप चाहें तो ये जो बीज हैं इन्हें रख भी सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर बिना बीज वाले करेले बना रही हूँ तो यहाँ पर मैं इन बीजों को बिल्कुल हटा दूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपके बीज सॉफ्ट हैं तो ही उन्हें रेसिपी में आप इस्तेमाल करें, लेकिन अगर जो बीज हैं वो टाइट हैं या फिर लाल रंग के हैं तो उसे बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो ये सारे करेले मैं छीन लूँगी, इसमें कट लगा लूँगी और इनके बीज निकाल के अलग कर लूँगी। सारे करेले मैंने छील लिए हैं, इनमें कट लगा लिए हैं और इनके छिलके निकाल कर भी अलग रख लिए हैं। छिलकों को बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा मैंने बताया, इन करेलों में जगह ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स, ये छिलके भी हम अभी रेसिपी के अंदर ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने नमक ले लिया है लगभग 1/4 बाउल और इसे हम करेलों पर इस तरीके से स्प्रिंकल करेंगे। फ्रेंड्स, हमेशा इस बात का ध्यान रखें, करेले अगर कभी भी आप नमक के बिना बनाएंगे तो वो कड़वाहट देंगे ही देंगे, तो नमक इसमें डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी आप करेले बनाएं तो करेलों में नमक ज़रूर लगाएं। तो मैं यहाँ पर करेलों के अंदर भी नमक लगा रही हूँ और इनकी बाहर की परत पर भी नमक लगा रही हूँ। नमक लगाने से करेले ज़्यादा जल्दी पानी छोड़ देते हैं और उनकी कड़वाहट भी कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये जो छिलके हैं, छिलकों के अंदर भी हमें नमक मिलाना है जिससे कि इनकी कड़वाहट भी कम हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी कड़वे होते हैं। ये भी पानी छोड़ देंगे और पानी के साथ साथ इनकी कड़वाहट भी कम हो जाएगी। अब ये जो करेले हैं हमें इन्हें रखना है लगभग 10 मिनट के लिए नमक लगाकर ताकि ये पानी छोड़ दें, और उसके बाद हम एक ऐसी ट्रिक अपनाएंगे जिससे कि 15 मिनट के अंदर बिल्कुल ये कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी करेले की और आपको पूरी रात इन्हें नमक चला के रखने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसे मैं ढककर रख दूंगी इन छिलकों के साथ ही और 10 मिनट के लिए हम इन्हें बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देंगे। और जब 10 मिनट बाद आप इन्हें खोलेंगे तो आपको ये कुछ ऐसे दिखने वाले हैं। जो करेले हैं उन्होंने पानी छोड़ दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो पानी है पूरे करेलों में और प्लेट में भी काफ़ी पानी हो गया है। प्लेट के अंदर का पानी हम निकाल देंगे और इन करेलों को अभी हमें वॉश करना है। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है और इन करेलों को अच्छे से हमें धो लेना है जिससे कि इनके ऊपर का एक्स्ट्रा नमक निकल जाए और पानी में थोड़ी कड़वाहट भी निकल जाए इनकी। ये करेलों के कड़वाहट निकालने की बहुत ही आसान सी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि अभी तक आपको नहीं पता होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से बाउल में मैं इन्हें वॉश कर लूँगी और निकाल कर एक प्लेट पर रख लूँगी। अक्सर जब हम करेले बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल हमें इस्तेमाल करना पड़ता है जिसकी वजह से उनकी जो पौष्टिकता होती है वो ख़त्म ही हो जाती है। तो अभी हम ये करेले बहुत ही कम तेल में बनाएंगे और बहुत टेस्टी भी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है और जो हमने छिलके निकाल के रखे थे अब हमें उसे वॉश करना है। अगर आप स्ट्रेनर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो छिलके पानी में आ जाएंगे काफ़ी सारे,
तो कोई भी स्ट्रेनर आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस वक्त। इन्हें भी आपको पानी में अच्छे से इस तरीके से धोना है जिससे कि इनके अंदर का सारा नमक पानी में आ जाए। और फ्रेंड्स, ये जो छिलके हैं ये भी, इनकी कड़वाहट भी बहुत कम हो चुकी है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं जिससे कि करेलों की कड़वाहट बहुत कम हो जाती है। उसके लिए मैंने कढ़ाई में पानी ले लिया है और इसके अंदर अब भी हम एक स्टैंड लगाएंगे। तो यहाँ पर लगभग मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है कढ़ाई में, और स्टैंड को रखने के बाद ये पानी स्टैंड को टच नहीं कर रहा है, इतना ही आपको पानी चाहिए होगा। अभी हम एक छलनी ले लेंगे, घर में नॉर्मली इस्तेमाल होती हैं इस तरीके की स्टील की छलनियाँ, ये आपको लेनी है और इसे आपको कढ़ाई पे रखना है। अब हमें करेले भाप में पकाने हैं, इसलिए छलनी के ऊपर मैं ये करेले रख दूंगी सारे। एक तो ये करेले सॉफ्ट हो जाएंगे भाप लगाने से और इनकी कड़वाहट बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। हम इन्हें 5 मिनट की भाप लगाएंगे। तो ऊपर से एक ढक्कन मैंने ढक दिया है, कोई भी ढक्कन आप कढ़ाई के ऊपर जो एडजस्ट होता हो उसे ढक दीजिएगा। और लगभग 5 मिनट के लिए हमें इसे भाप लगानी है। करेलों को 5 मिनट हो चुके हैं पकाते हुए, तो अभी हम ये ढक्कन हटा देंगे। और ये देखिए करेले काफी भाप में पक चुके हैं, लेकिन ज्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, वरना अगर ये ज़्यादा भाप में पक जाएंगे तो ये टूटने लग जाएंगे। तो अभी हम ये सारे करेले निकाल लेंगे और इनका जो पानी है थोड़ा सा ड्राई हो जाने देंगे, और उसके बाद हम इनकी फिलिंग करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम तैयारी कर लेते हैं स्टफिंग की। तो चलिए, इतने ही करेले ठंडे होते हैं, हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। अभी मैंने मसाला तैयार करने के लिए यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर लगभग 50 ग्राम कच्ची मूंगफली मैं डालूंगी। फ्रेंड्स, इन्हें हमें रोस्ट करना है क्योंकि करेलों के अंदर जो रोस्टेड मूंगफलियाँ हैं इनका पाउडर हमें डालना है, और जिससे कि जो हमारा मसाला है एक तो वो थोड़ा सा ड्राई बनेगा और ये मूंगफली बहुत ही टेस्टी भी लगती है। तो ये मूंगफलियाँ एक तो करेले का स्वाद बढ़ाने का काम करेंगी, दूसरा उसका जो मसाला है उसमें थोड़ी ड्राइनेस लाएंगी जिसकी वजह से करेलों के अंदर का जो स्टफिंग होती है वो निकलती नहीं है आसानी से। तो अभी यहाँ पर देखिए मूंगफलियाँ रोस्ट हो चुकी हैं बिल्कुल। हम इन्हें एक प्लेट पर निकाल लेंगे और उसके बाद हम इन्हें पीस कर इनका एक पाउडर तैयार कर लेंगे। और चलिए अब हम स्टफिंग बनाना तैयार करते हैं। तो उसी कढ़ाई को मैंने ले लिया है और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कम से कम 4 से 5 चम्मच तेल। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करना है क्योंकि सरसों के तेल में ही करेले बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, और कोई ऑयल आपको नहीं लेना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, गरम तेल के अंदर मैंने थोड़ी सी हींग डाल दी है और इसके अंदर डाल रही हूँ ये जो छिलके थे करेले के जिनको हमने पानी से निकाल कर निचोड़ लिया था। तो आपको इन छिलकों का अच्छे से पानी निकालने के बाद ही इनको डालना है ऑयल में। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे जिसमें कि है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हम डालेंगे नमक क्योंकि ऑलरेडी इसमें नमक है तो बहुत कम नमक हमें डालना है। हम इन्हें चलाते हुए अच्छे से तेल में फ्राई करेंगे क्योंकि हमें ये इनका थोड़ा क्रिस्पी सा टेक्सचर लाना है। जब ये क्रिस्पी हो जाएंगे तब हम इसे कढ़ाई से निकालेंगे, तो तब तक लो फ्लेम पर इसे पकने दें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए लो फ्लेम पर पकाने के बाद ये थोड़ा ब्राउन सा कलर हो गया है और काफ़ी क्रिस्पी से हो गए हैं जैसा कि आप देख सकते हो। तो इतना ही आपको इसे पकाना है जिससे कि मसाला बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब हम इसे कढ़ाई से निकाल कर बाहर रख लेंगे। अभी दोबारा से हम वही कढ़ाई ले लेंगे। मैंने कढ़ाई थोड़ा सा साफ़ कर ली है और इसके अंदर मैंने डाल दिया है ऑयल लगभग 5 से 7 चम्मच। अभी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच सौंफ। सौंफ को अच्छे से ऑयल के अंदर भून लेंगे जब तक कि थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसके अंदर राई भी ऐड कर सकते हैं खट्टापन बढ़ाने के लिए, लेकिन सौंफ के अंदर ही करेले बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो अभी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कटे हुए प्याज। फ्रेंड्स, अगर आप ज़्यादा मसाला खाना पसंद करते हैं तो फिर आप जो ड्राई मसाले होते हैं वो भी करेले के अंदर डाल सकते हैं, उनको थोड़ा सा रोस्ट करके, जैसे कि सौंफ है या फिर सूखा धनिया पाउडर है, कलौंजी है, मेथी दाना है, इनको भूनकर भी आप करेलों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा लहसुन। तो यहाँ पर लगभग 7 से 8 लहसुन की कलियाँ थी जिन्होंने कूट लिया था। 1/2 इंच कसा हुआ अदरक डाला है, 1/2 चम्मच डाल दिया है हल्दी पाउडर, और 1/2 ही चम्मच हम इसके अंदर डाल रहे हैं लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर हमने नमक डाल दिया है और अब इस मसाले को अच्छे से तेल में पका लेंगे। फ्रेंड्स, नमक आपको हमेशा अंदाजे से ही डालना होगा क्योंकि करेले के अंदर ऑलरेडी नमक है, तो प्याज के हिसाब से ही मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया है।
प्याज को अच्छे से भून लेंगे कढ़ाई में ताकि ये ट्रांसल्यूसेंट हो जाए। और एक बार प्याज पक जाए उसके बाद आपको डालने हैं वो जो करेले के छिलके हमने भून कर रखे थे, इस मसाले के अंदर हमें ऐड करना है। और साथ ही में हमें ऐड करना है ये जो मूंगफली का पाउडर है, इसे हम डाल देंगे मसाले के अंदर ताकि जो मसाला है थोड़ा सा ड्राई भी हो जाए और इसका टेस्ट भी बढ़ जाए। अभी हम डाल रहे हैं 2 चम्मच आमचूर पाउडर। आप चाहें तो 1 लेमन का जूस भी इसी के साथ ऐड कर सकते हैं, मतलब कि आमचूर पाउडर तो डालना ही है आपको और 1 लेमन का जूस भी आप डाल दीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसके अंदर खट्टापन डालेंगे उतनी ही कड़वाहट कम हो जाती है करेले की। हालांकि हमने इसे स्टीम किया है तो कड़वाहट ऑलरेडी बहुत ही कम हो चुकी है फ्रेंड्स। तो ये देखिए मसाला भी हमारा तैयार हो चुका है, इसे ठंडा कर लेंगे। और चलिए अभी हमें अपने करेले स्टफ़ करने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये करेले आराम से सूख भी चुके हैं और ठंडे भी हो चुके हैं, तो अभी हम इनकी स्टफिंग स्टार्ट कर लेंगे। तो अभी हम करेले को स्टफ करेंगे उस मसाले से जो हमने अभी बनाया था। यहाँ पर हमें एक धागे की भी ज़रूरत होगी क्योंकि हमने करेले का ऊपर और नीचे का पार्ट काट दिया था, जिसकी वजह से ये मसाले को सपोर्ट ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ये रहा वो मसाला, इसे भी हमने ठंडा कर लिया है। और चलिए अब हम करेले की स्टफिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो करेला है ये आसानी से खुल जाएगा और इसके अंदर आप स्टफिंग भर पाएंगे। हमने इसके ऊपर और नीचे के किनारे इसीलिए काट दिए हैं ताकि अच्छे से ओपन हो पाए, हम इसके अंदर मसाला जितना हम चाहें उतना भर पाएं, क्योंकि अक्सर जो ऊपर और नीचे का किनारे होते हैं वहाँ पर मसाला अच्छे से स्टफ नहीं हो पाता और वहाँ का जो करेला है वो ऐसे ही रह जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमने मसाला अच्छे से फिल कर दिया है इसके अंदर और अपने अंगूठों से आपको मसाला दबा देना है ताकि ये निकले नहीं। मूंगफली का जो पाउडर हमने इसके अंदर डाला है ना फ्रेंड्स, वो मसाले को बाइंड करने में अच्छे से हेल्प कर रहा है। और यहाँ पर हमने धागे से इसे लपेट दिया है। थोड़ा सा धागा ही इस्तेमाल करें, ज़्यादा धागा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए ताकि करेला खुले ना। तो इस तरीके से धागे में हमने गांठ लगा दिया है और सीजर से काट दिया है। बिल्कुल इसी तरीके से हम बाकी के करेले भी तैयार कर लेंगे और आप देख सकते हो ना कितने अच्छे से ये करेले स्टफ़ होते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दूसरा करेला भी मैं आपको फिल करके दिखा रही हूँ। बहुत ही इजी मेथड मैंने यहाँ पर बताया है, शेयर किया है आप लोगों के साथ। करेला बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा आपको इस मेथड से अगर आप करेले बनाएंगे, और आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। 10 से 15 मिनट के अंदर ही इसकी सारी कड़वाहट खत्म हो जाती है, जैसा कि मैंने अभी आपको करके दिखाया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम सारे करेले पहले फिल कर लेंगे और उसके बाद हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैंने सारे करेले प्लेट पर रख लिए हैं, इनको धागे से अच्छे से रैप कर लिया है। तो चलो अभी कढ़ाई हमने ले ली है, कढ़ाई में डाल लिया है ऑयल। ऑयल यहाँ पर ज़्यादा नहीं, 1/4 कप ही डाला है मैंने, और इसके अंदर मैंने लगा दिए हैं सारे करेले। फ्रेंड्स ज़्यादा ऑयल आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, इतने ऑयल में ही आपके बहुत ही ज़्यादा अच्छे करेले बनकर तैयार होंगे। तो ऊपर से हमने लिड लगा दी है और थोड़ा सा हम इसे भाप में पका लेंगे पहले। तो फ्रेंड्स ये देखिए लगभग 5 मिनट हमने भाप में और पकाया है इन्हें। अब हम इन्हें नहीं ढकेंगे, सीधा तेल में इसी तरीके से पलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। और जैसा कि मैंने बताया क्योंकि कड़वाहट इसमें बहुत ही कम हो चुकी है तो ज़्यादा तेल भी इस्तेमाल नहीं होगा, ज़्यादा तेल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक फोक ले लीजिएगा और उससे बहुत ही आसानी से आप इस तरीके से पलट सकते हैं करेला। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं इन करेलों को 5 से 10 मिनट के लिए और पकाऊंगी और ये करेले बनकर तैयार हो जाएंगे। बस चारों तरफ से हमें इन्हें ब्राउन कर लेना है बिल्कुल इस तरीके से। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से हमारे करेले पक चुके हैं, कड़वाहट इनकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और ये आपको जब भी आप बनाएंगे या फिर चाहेंगे कि बिना कड़वाहट के करेले बने तो इस तरीके से आप बनाकर देखिएगा। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और ये देखिए एकदम परफेक्ट ये करेले बने हैं और टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सबके साथ शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल का आइकन है उसे दबाना मत भूलिएगा। अब मैं आप लोगों से मिलूंगी एक और टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।